नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। आपको बता दें कि मेरठ के अंदर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों के सामने पुलिस अपंग नजर आ रही है। लगातार पुलिस को खुली चुनौती देने से भी नहीं चुक रहे बदमाश। ऐसा ही एक ताजा मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के फलावदा रोड का सामने आया है, जहां 11वीं क्लास की छात्रा बस से जा रही थी, तभी राजन नाम के युवक ने बस रुकवाने के बाद छात्रा को गोली मार दी, जिसके बाद छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और वारदात को अंजाम देकर राजन मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए छात्रा को मेरठ रेफर कर दिया गया। अगर हम बात करें आरोपी की, तो पुलिस की पकड़ से कोसों दूर नजर आ रहा आरोपी, जिसकी अभी तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की है निकिता नाम की, जाट कॉलेज में पढ़ती है, उसको बस में वो अपने घर जा रही थी, उसको एक लड़का जिसका नाम राजन है उसने पीछे से उसकी गोली मार दी है और इस संबंध में जो है अभियुक्त फरार है और बच्ची का इलाज चल रहा है और मुकदमा पंजीत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है सर, क्यों मारी गई? कुछ सामने ये आ रही है बातें कि कुछ लड़की जो है पहले से बातचीत करती थी, उसी में हो सकता है कि कोई बात हो गई हो, जो भी हम लोग विवेचना के दौरान सामने आएगी। क्या है ये लड़की कृषक इंटर कॉलेज में 11th में पढ़ रही है, बस में बैठ के गोली मारी गई? हाँ, बस में मारी गई। हाँ।